हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ DMR मीनिंग वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग का वीडियो। मुझे अमेजोन से 4559 की पड़ी थी। अगर आपने भी इसे बाय करना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर लेना। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और आपको इसे प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसे ये चलती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो इसको हम डब्बे को खोलते हैं। पहले इसमें से थर्माकोल निकले हैं ताकि ये टूटे ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है, स्काई ब्लू कलर की है ये इसकी। ये सबसे पहले इसमें हमें इंस्ट्रक्शन कार्ड निकला है, जिसमें कि हमारी वारंटी कार्ड भी है। इसमें एक साल की वारंटी है और इसमें सारी हमें इंस्ट्रक्शंस बताई होंगी। आप अच्छे से इसको रीड कर लेना कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये सबसे पहले अंदर से हमें ड्रायर बकेट निकलेगी, जहां से जिसमें हम कपड़े डाल के तो इसको सुखा सकते हैं। और इसमें ये भी ड्रायर के लिए है, इसमें कपड़े डाल के इसको ऊपर रख लेंगे। और इसके अंदर से ये पाइप निकलेगी, जहां से हम इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है पाइप का। और इसको आप टैप में लगा देंगे तो ये पानी सारा अंदर चला जाएगा। तो चलिए, अब आपको मैं कपड़े धो के दिखाता हूँ कि कैसे हमने वॉश करने हैं कपड़े। इसमें एक बार में 10-12 कपड़े तक आ जाएंगे बड़े आराम से। दोस्तों, हम इसे मिनी वॉशिंग मशीन को अपने बाथरूम में लेके आ गए हैं। अगर आपने पानी इसमें भरना है तो पाइप से भर सकते हैं, अगर आपकी पाइप दूर है, टैप दूर है तो आप पाइप से भर सकते हैं। मेरी टैप पास नहीं है तो मैं इसको टैप के नीचे रख दूंगा। इसमें से हमें ये बकेट जो स्पिन करने वाला है, ये इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हम इसमें सिंपली बस टैप ओपन करके पानी भर लेंगे इसमें। इसके साइड में हमें एल की ऑप्शन दिख रही होगी, हमने एल तक पानी भरना है। जैसे कि मैंने उंगली रखी हुई ना जहाँ पे, हमने वहीं तक पानी भरना है इसका, एल तक। और हमने ध्यान देना है कि हमने इसकी पाइप को नीचे नहीं गिराना है, ऐसे ही खड़ी रहना देना है पाइप को। ये जब हम स्पिन करेंगे, पानी बाहर निकालेंगे गंदा, तभी हमने पाइप को नीचे करना है, अदरवाइज नहीं करना है हमने नीचे पानी। तो अब मैं आपको कपड़े धो के दिखाता हूँ कि हमने कैसे कपड़े धोने हैं। ये हमने रखे हुए हैं कपड़े जो धोने हैं। कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने के बाद हम इसमें सर्फ डाल लेंगे। इसमें मैंने सर्फ एक्सल का सर्फ डाला हुआ है, हम अपने हिसाब से इसको सर्फ को डाल लेंगे। 3-4 चम्मच के बाद हम इसमें 3-4 चम्मच सर्फ डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से डाल लेना जितना आपने डालना होगा। सर्फ डालने के बाद इसमें हमें ये देखो टाइमर दिख रहा है, इसमें हम वॉश पे क्लिक कर देंगे और दूसरे वाले पे हम टाइमर सेट कर देंगे जितना हमने रखना है। हम 15 मिनट का टाइमर रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी घूमनी स्टार्ट हो गई हुई है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके कपड़े डाल देंगे सारे अपने। इसमें हम सारे कपड़े डाल लेंगे। इसमें हम 10-12 कपड़े आज तक आ जाते हैं, 10-12 कपड़े। आप देख सकते हैं ये अच्छे से घूम रही है पूरी।
अब हम इसका ढक्कन क्लोज कर देंगे, ये अपने आप 15 मिनट बाद बंद हो जाएगी। अब मैं आपको वीडियो पॉज करके दिखाता हूँ कि जब हमारे वॉश हो जाएंगे कपड़े की तो हमने सुखाने कैसे हैं। अब हमारा ये टाइम खत्म हो गया हुआ है, मतलब हमारे धुल चुके हैं कपड़े। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। ये जो हमें पाइप दिख रही है ना, हम इसको ऐसे नीचे गिरा देंगे तो पानी ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। ये देखो पानी कितनी तेजी से निकल रहा है, ये सारा गंदा पानी है जो कपड़ों का निकला गंदा। ये देख सकते हैं आप, हमारा सारा पानी निकल चुका है। अब हम इस पाइप को दोबारा उठा के इस पे फिक्स कर देंगे, इस पे लगा देंगे। अब हमने इस पे साफ पानी भर देना है ताकि हम अच्छे से इसको साफ पानी में घुमा देंगे, हमारे कपड़े धुल जाएंगे। अब मैंने साफ पानी की ड्यूटी चला दी है, अब हम इसमें थोड़ा सा साफ पानी भर लेंगे। हमने इस पे एंच तक पानी भर लिया है साफ पानी। अब हम इसको फिर से बंद कर देंगे, हम थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको घुमा देंगे ताकि अच्छे से पानी में धुल जाए कपड़े, इनका सरफ सुरफ निकल जाए सारा। आप देख सकते हैं अभी हमारी घूमनी स्टार्ट हो गई है। ये हमारा फिर से गंदा पानी है, हमारा हम सारा बाहर निकाल लेंगे इसका। अब हम इन सारे कपड़ों को बाहर निकाल के रख लेंगे, हमारे सारे धुल गए हैं। अब हमने सारे कपड़े इसके बाहर निकाल लिए हैं तो अब हम इसमें बकेट सेट कर देंगे। इसमें बकेट सेट करके इसको थोड़ा सा घुमाना होता है तो हमारी ये पूरी फिक्स हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका हमें बस एक नुकसान है कि इस बकेट छोटी है तो हमारे कपड़े थोड़े कम ही जाएंगे, बस 3-4 कपड़े ही जाएंगे एक बार में। मेरे इसमें 6 कपड़े आ गए हैं एक बार में, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे, ये भी ढक्कन बंद कर देंगे। इसको हमने स्पिन पे कर देना है, अब स्पिन पे करके टाइमर सेट कर देंगे। इसको 2 मिनट तक टाइमर इसका सेट कर देंगे ताकि ये गोल गोल घूम जाए 2 मिनट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे कपड़े अच्छे से नहीं सूखे हैं, ये हमारे गीले गीले ही लग रहे हैं। ये बड़ी मशीन में ही सही लगते हैं कपड़े सूखे हुए, इसमें तो पूरे गीले गीले लग रहे हैं। अगर आपको बस कपड़े धोने के लिए मशीन चाहिए तब तो ये ठीक है, अगर आपको सुखाने के लिए भी चाहिए तो फिर नहीं ये ठीक है। मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगा इसका एक्सपीरियंस, मैं आप इसे रिटर्न करने जा रहा हूँ, वापिस करने जा रहा हूँ इसे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।